こんにちは。ワンピース、フィルム、レッド。か、トレーラー number 2 आ चुका है। एंड मैं इस ट्रेलर को देख के मूवी से क्या एक्सपेक्ट कर रहा है ये इस वीडियो में बताने वाला है मैं। वीडियो बड़ा हो सकता है क्योंकि मैं इस ट्रेलर और बाकी के इधर उधर चीज़ों पे अपना ओपिनियन भी देगा और मेरे पे बहुत सारी चीज़ें है बोलने के लिए। तो पूरा वीडियो देखो और सुनो मेरा फालतू आवाज़ और मेरी फालतू बातें। ये लो इंट्रो, लेट्स बिगिन। सबसे पहले मैं बात करना चाहेगा कि मुझे ये ट्रेलर अच्छा लगा कि नहीं। एंड मुझे ये ट्रेलर अच्छा लगा क्योंकि ये ट्रेलर पूरी स्टोरी नहीं बता देता है और 40 सेकेंड में हद हाइप बनाने वाला ट्रेलर है ये। प्लस जो चीज़ के लिए मूवी के लिए लोगों में बहुत ज़्यादा हाइप है, शैंक्स, उसको बहुत थोड़ा सा दिखा के इन्होंने मूवी से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट इन्फो बता दिया अपने को, बट इन्फो को एकदम लिमिट में बताया जिसकी वजह से सब अपना दिमाग अच्छा खासा यूटिलाइज कर रहे हैं इस पर। अब मैं तुमको इस मूवी का साइनोप्सिस बता देता है, मतलब कि कैसे ये मूवी स्टार्ट होगा। और ये चीज़ मैं ऐसे नहीं कि खुद से सोच के बता रहा, ट्रेलर के डिस्क्रिप्शन में ही पूरा साइनोप्सिस दिया हुआ है। तो अगर तुमने डिस्क्रिप्शन नहीं देखा था तो अभी बता दे रहा हूँ, देखा करो, ठीक है। तो ये स्टोरी अबाउट ऊता जो कि पब्लिक के सामने अपना फर्स्ट लाइव कॉन्सर्ट परफॉर्म करने वाली है एंड इस चीज़ को देखने उसके फैंस आते हैं जिसमें बहुत से पायरेट्स हैं। अब पायरेट्स है तो मरीन्स भी आती है इन पायरेट्स को पकड़ने और इन पायरेट्स में एक है अपना मोंकी डी लूफी। और इस मूवी का मेन स्टोरी चालू होता है ये फैक्ट से कि ऊता एक्चुअली में शैंक्स की बेटी है। बाय द वे ऊता को मोस्ट बिलव्ड सिंगर ऑफ द वर्ल्ड बोला गया है। तो अब मैं थोड़ा ब्रेकडाउन बाजी करेगा, मतलब इस ट्रेलर की छोटी छोटी चीज़ों पे मैं बात करना चाहता है तो थोड़ा ब्रेकडाउन बाजी करने का है मेरे को, क्योंकि ये 40 सेकेंड्स के ट्रेलर में ढंग से देखने जाए तो अपने को बहुत कुछ पता चल सकता है। पहले तो बात करते हैं इस ट्रेलर के फर्स्ट सीन की जहाँ पे शैंक्स और ऊता साथ में खड़े हुए हैं और बैकग्राउंड से शैंक्स का आवाज़ आता है, वो कुछ कुछ ज्ञान पेलता है। फिर एक पर्टिकुलर सीन आता है जिसमें ऊता रोते हुए दिखती है। अब ट्रेलर में बोला तो गया है कि ऊता शैंक्स की बेटी है बट मुझे ऐसा नहीं लगता। हाँ, ये शैंक्स की बायोलॉजिकल बेटी हो भी सकती है क्योंकि अगर तुम देखो तो ऊता का हाफ बाल लाल कलर का है, तो हो सकता है कि शैंक्स ने किसी लड़की के साथ सेक्स किया जिसके बाल वाइट कलर के हैं, जिसकी वजह से ऊता के बाल हाफ रेड और हाफ वाइट है। और ऐसा भी हो सकता है कि जिसने ऊता को पकड़ के रखा था जब वो शैंक्स को देख के रो रही थी वो उसकी माँ ही हो, और देख के लग भी रहा है कि किसी फीमेल कैरेक्टर ने उसको पकड़ के रखा है। और ऐसा भी हो सकता है कि इस अज्यूम्ड माँ कैरेक्टर के आइज पर्पल कलर के हों, विच इज़ वाई ऊता के भी आँख पर्पल कलर के हैं। बट यहाँ पे अगर तुम थोड़ा लॉजिक लगाओ ना तो ये ऊता का शैंक्स की बायोलॉजिकल बेटी होने के चांसेस कम है, क्योंकि फर्स्ट सीन में अपन देख सकते हैं कि शैंक्स ने स्ट्रॉ हैट पहन के रखा है, मतलब कि अभी के टाइमलाइन से 12 साल पुराना का ये सीन है। और उसी सीन में ऊता भी 9-10 साल की बच्ची लग रही है, 12 साल पहले शैंक्स 26 साल का था, तो क्या ऊता पैदा हुई जब शैंक्स 17-18 साल का था? शैंक्स प्लस उस टाइम पे अपना क्रू जमा कर रहा था तो उस पर बच्चा करने का टाइम भी था, लमाओ। तो वॉट आई थिंक इज़ कि ये ऊता बायोलॉजिकल डॉटर नहीं है बट ये बचपन में शैंक्स से मिली और शैंक्स ने इसको अपनी बेटी की तरह ट्रीट किया और ये नाम की बेटी है शैंक्स की। इसके अलावा आई एम एक्सपेक्टिंग कि ऊता कुछ सीरियस हगेगी इस मूवी में, क्योंकि लूफी ने जिस वे में स्क्रीम करके बोला है कि अगर तेरे हरकतें शैंक्स को पता चली तो शैंक्स शांत नहीं रहेगा फिर, विच कन्फर्म्स कि ऊता कुछ शिट करेगी। अब ये क्यों करेगी ऊता, तो इसका रीज़न हो सकता है अटेंशन में भी, उसको शायद से शैंक्स का अटेंशन चाहिए होगा, क्या पता, या फिर बचपन में शैंक्स के जाने की वजह से वो इससे गलत वे में इन्फ्लुएंस हो गई, अनलाइक लूफी जो कि शैंक्स के जाने से अच्छे वे में इन्फ्लुएंस हुआ था। और लूफी और ऊता में शैंक्स का इन्वॉल्वमेंट एक सिमिलर चीज़ है, तो हो सकता है कि लूफी ऊता का एक अच्छा खासा आइडियोलॉजी बैटल दिखे अपने को जिसमें ऑब्वियसली लूफी ही जीतेगा मेन कैरेक्टर। लेकिन जिस वे में लूफी ने ऊता पे चिल्लाया ये अपने को ये भी बताता है कि ऊता लूफी की दोस्त बन जाती है इस मूवी में, नॉट दैट बिग ऑफ अ सरप्राइज। ऐसा भी हो सकता है कि ऊता मेंटल ब्रेकडाउन के चलते हगी है, हो सकता है, एंड मेंटल ब्रेकडाउन वाली अगर चीज़ लाता है, मतलब ये ओडा ने अगर इसको एज एन इशू दिखाया है, मतलब उसको यूज़ करके अगर इसका प्लॉट लिखा है ओडा ने, तो मुझे वो अच्छा लगेगा। ऊता का मोटिव अनक्लियर रखा है ट्रेलर में जो कि अच्छी बात लगी मुझे। इसके अलावा करंट टाइमलाइन वाली ऊता का भी एक और सीन है जिसमें वो रोते हुए कुछ ब्लैक सा म्यूजिक के नोट्स जैसा रिलीज कर रही है अपने आसपास, जो कि ऐसे में एक ट्रांजिशन टाइप्स लगता है, बट दिस कैन बी हर डेविल फ्रूट्स पावर। एंड एक सीन में वो चिल्ला के अपने आसपास तेज हवा सा कुछ प्रोड्यूस कर रही है, ये भी डेविल फ्रूट पावर हो सकता है, मेरे को तो लग रही है, क्योंकि ऊता म्यूजिक से रिलेटेड है तो मे बी म्यूजिक फ्रूट। इसके अलावा
कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स दिखे अपने को ट्रेलर में, जैसे कि बार्थोलोमियो जो कि शायद कॉन्सर्ट इन्जॉय करने आया होगा, और लूफी सेनपाई की हेल्प करेगा फिर इन सम वे वो शायद, कोबी और हेलमेपो जो कि कॉन्सर्ट के ऑडियंस के बीच में घुसे हुए दिखे हैं, मरीन्स का इन्वॉल्वमेंट पता चलता है इस सीन से, अकाइनू जो कि कॉन्सर्ट के मरीन्स को ऑर्डर देगा मे बी कि पायलट्स को पकड़ो जो कि वो कभी नहीं पकड़ने वाले, लॉ बेपो, बेपो तो भाई कार्टून दिख रहा है, मस्त लगा मेरे को उसको देख के, तो ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अच्छा खासा हार्ट पायरेट्स का कुछ नाच गाना सीन दिख सकता है अपने को। और अगर तुम स्ट्रॉ हैट्स के रिलीज्ड कैरेक्टर डिजाइंस देखोगे तो तुमको पता चलेगा कि ये थोड़ा रॉक कंसर्ट टाइप वाला पहनावा है इनका। मे बी अपने को लूफी और बाकियों का नाच गाना देखने को भी मिलेगा शायद से मूवी में, जो कि अच्छा लगेगा देखने में, क्योंकि स्ट्रॉ हैट्स का साथ में मिलके चिल करना अपन ने बहुत टाइम से देखा नहीं है, तो यस मुझे स्ट्रॉ हैट्स को चिल करते हुए देखना है वापस भाई। और ट्रेलर के जो लास्ट में अपन ने शैंक्स का एक स्मर्क टाइप्स देखा है ना, मतलब शैंक्स स्मर्क करते हुए दिखाया, ऐसा टाइप का लगा है मेरे को, लगता है कि वो शैंक्स करंट टाइमलाइन वाला शैंक्स था, और ऐसा भी हो सकता है कि शैंक्स मूवी के बीच में या फिर एंड में आए। अब ट्रेलर में शैंक्स 5-6 सेकंड के लिए ही दिखा है और 2-3 डायलॉग ही मारा है उसने जो कि इतना इंपॉर्टेंट साउंड भी नहीं करता, तो क्या ऐसा हो सकता है कि शैंक्स का बस एक छोटा सा कैमियो ही होगा मूवी में? मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि ये मूवी शैंक्स का नाम यूज़ करके बहुत मार्केटिंग कर रही है। अब अगर एक छोटा सा कैमियो ही दिखाना था शैंक्स का तो ये लोग शैंक्स के कैमियो को सरप्राइज एलिमेंट के फॉर्म में यूज़ कर सकते थे, बिना शैंक्स का हिंट दिए ये लोग शैंक्स का एक छोटा सा रोल डाल के मूवी में कूल मोमेंट डाल सकते थे, लेकिन ये लोग शैंक्स को मार्केटिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, मतलब भाई लोगों में भी इन्होंने शैंक्स का स्कार डाल दिया है भाई। तो शैंक्स अगर छोटा सा ही रोल हुआ मूवी में तो इनको बहुत गालियाँ पड़ेगी, और मैं खुद बहुत गालियाँ देगा भी, मूवी सक्स करके लाइव भी चला देगा अगर ऐसा होता है तो, जिसमें सब मिलके इस मूवी को गाली बकेंगे, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि होगा। शैंक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा इस मूवी में मेरे हिसाब से, वो चीज़ छुपाने के लिए इतना छोटा ट्रेलर डाला इन्होंने। व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज़ अ कूल फाइट सीक्वेंस, मतलब शैंक्स को एक्शन में देखेंगे तो मज़ा आएगा, वो भी एनिमे फॉर्म में। अगर मूवी में शैंक्स का बस एक फाइट सीन भी डाल दिए ना अच्छा वाला, तो मैं और बाकी फैंस खुश हो जाएंगे भाई, भाई मज़ा ही आ जाएगा हमको तो। और इस मूवी की स्टोरी को ओडा ने खुद ने लिखा है, तो ओडा का इन्वॉल्वमेंट है इस मूवी में बहुत ज़्यादा, और वो हाइप वर्थ चीज़ें करता है, तो इस मूवी का जो हाइप हो रहा है मुझे लग रहा है कि मूवी उस हाइप को सरपास करेगा, एंड ये एक्सपेक्टेशंस को सरपास करने के लिए मेरे हिसाब से इस मूवी में शैंक्स का एक प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड फाइट सीक्वेंस होगा। क्या ये मूवी कैनन होने वाली है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि ये मूवी का कैनन होना एक बहुत बड़ा गलत डिसीजन होगा, क्योंकि करंट टाइमलाइन में सबको पता है कि वानो वॉर चल रहा है और उसको भी ख़त्म होने में बहुत टाइम बचा है, तो वानो वॉर के बीच में थोड़ी ये चीज़ होगा, और ये वॉर के बाद भी नहीं हो सकता क्योंकि वानो वॉर ख़त्म होने में भी बहुत टाइम है जैसे मैंने बोला, और वैसे भी मांगा में ही वॉर ख़त्म होने के क्लोज नहीं है, तो फिर ये तो एनिमे मूवी है और एनिमे में तो वॉर ढंग से चालू भी नहीं हुआ है। मुझे क्या लगता है कि जैसे स्टैम्पेड के रिलीज़ के टाइम पे 2 फिलर एपिसोड्स रिलीज़ हुआ था जो कि स्टैम्पेड की स्टोरी को बिल्ड करने के लिए बनाया गया था, वैसे ही इस मूवी के रिलीज़ के टाइम पे भी एनिमे में 1-2 फिलर एपिसोड्स रिलीज़ होंगे, और एनिमे में जितने स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉ हैट्स और बाकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं ना, उतने ही स्ट्रॉन्ग मेरे हिसाब से इस मूवी में भी होंगे वो, तो हो सकता है कि इस मूवी में अपने को लूफी का इंटरनल डिस्ट्रक्शन दिखे, मतलब पावर अप्स उतना ही जितना एनिमे में दिखा अभी तक, मांगा वाले पावर अप्स नहीं, इसलिए शायद मूवी में जोरो एनिमा के साथ दिखेगा, और ऐसा भी हो सकता है कि सांजी रेड सूट पहन के हरकतें करते हुए दिखे। अब अगर ये मूवी नॉन कैनन होगा तो फिर ये इंपॉर्टेंट होगा क्या अपने लिए कि बस एक एंटरटेनमेंट वाला मूवी होगा? तो क्या ये मूवी इंपॉर्टेंट है भी, मतलब होगा भी इंपॉर्टेंट कि देखना ज़रूरी भी है इसको? अब मैंने जैसे बोला ना कि मैं एक शैंक्स का फाइट सीक्वेंस एक्सपेक्ट कर रहा हूं, तो इस मूवी के थ्रू अपने को शैंक्स का पोटेंशियल प्रॉपर वे में दिख सकता है, मतलब अपने को ये पता चल सकता है कि अभी के टाइम पे शैंक्स कितना स्ट्रॉन्ग है, और शायद हो सकता है कि अपने को छोटा मोटा हिंट भी मिल जाए कि फ्यूचर से रिलेटेड कि शैंक्स फ्यूचर में क्या करने वाला है, या फिर शैंक्स का पर्पस क्या है, एक्चुअली पर्पस मतलब उसका क्या है वो भी अपने को शायद पता चल सकता है। बेसिकली शैंक्स का कैनन कैरेक्टर राइटिंग कर सकता है ओडा इस मूवी के थ्रू। अपार्ट फ्रॉम शैंक्स फाइटिंग, मैं इस मूवी से एक कमाल का बैकग्राउंड स्कोर एक्सपेक्ट कर रहा है, क्योंकि ये मूवी का थीम म्यूजिक के अराउंड है, तो सिर्फ थ्रिलिंग ट्रैक्स नहीं चाहिए मेरे को, थोड़े सैड प्लीजेंट ट्रैक्स भी सुनने मिलेगा तो मज़ा आएगा। एनिमेशन इस मूवी का मेरे को अच्छा लगा, मेरे हिसाब से तो इन्होंने वानो वाले एनिमेशन के साथ मूवी नहीं बना के अच्छा किया, मतलब अच्छा डिसीजन लिया, क्योंकि वानो वाला एनिमेशन आंखों में चुभता है बहुत ज़्यादा, हद फ्लैशी है वो। ऐसा भी हो सकता है कि 2-3 साल बाद जब वानो आर्क ख़त्म होगा एनिमे में, तब ये मूवी वाला एनिमेशन के साथ टोई एनिमे लाना चालू कर दे वानो एनिमेशन को रिप्लेस करके। वॉइस एक्टर्स का काम तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा है कि अच्छा ही होगा। लूफी का स्क्रीम इन ट्रेलर वॉज रियली नाइस,
प्लॉट ओडा ने लिखा है तो एक अच्छा प्लॉट एक्सपेक्ट कर रहा है मैं। अगर प्लॉट टाइम पास रहने वाला है इस मूवी का तो फिर एक्शन और बीजी स्कोर हद से ज़्यादा आग होना चाहिए। स्ट्रॉहैट्स का कैरेक्टर डिज़ाइन जो पहले से रिलीज़ हो चुका है वो मेरे को बढ़िया ही लगा, स्पेशली फ्रैंकी का डिज़ाइन, भाई सुपर। और ये मूवी मेरे हिसाब से डीमन स्लेयर का रिकॉर्ड तोड़ देगी और सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली एनिमे मूवी बन जाएगी, क्योंकि एक जो बहुत बड़ा एडवांटेज है इस मूवी पे वो है कि ये मूवी पैंडमिक में रिलीज़ नहीं हो रहा है, अनलाइक डीमन स्लेयर। और वन पीस इज़ वे मोर पॉपुलर दैन डीमन स्लेयर इन जापान, तो उधर तो बहुत कमाना है इस मूवी को। और इस मूवी के लिए और शैंक्स के लिए मुगेन ट्रेन का रिकॉर्ड तोड़ना इज़ अ पीस ऑफ केक इन माई ओपिनियन। अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन, क्या ये मूवी इंडिया में आएगी? मेरे को लगता है कि हाँ, क्योंकि अभी एनिमे का ऑडियंस इंडिया में ग्रो हो रहा है, प्लस ये जो ट्रेलर है उसमें हिंदी सबटाइटल्स भी हैं, वो भी प्रॉपर एक्यूरेट हिंदी सबटाइटल्स। बट ये मूवी अगर इंडिया में आती भी है तो एटलीस्ट 4-5 महीने बाद ही आएगी, ठीक है? और अगर ये मूवी इंडिया के थिएटर में रिलीज़ नहीं हुई ना तो मैं इस मूवी के लिए इतना हाइप फील नहीं करेगा, क्योंकि एट द एंड ये मूवी मेरे हिसाब से नॉन कैनन ही होने वाली है। देखना, नॉन कैनन ही निकलेगा ये। शैंक्स का इंपॉर्टेंट हरकत दिख सकता है, बट टू बी ऑनेस्ट आई एम नॉट दैट मच इंटरेस्टेड इन शैंक्स। हाँ, एक्साइटेड है मैं, लेकिन अगर ये थिएटर में नहीं लगा तो भाई क्या, भाई मतलब क्या, ये थिएटर लाइक मूवी है, कैम प्रिंट या फिर इसका प्लॉट ऑनलाइन रीड करके इसको एंजॉय नहीं कर सकते हम। तो मैं 5-6 महीने तो टोटली स्पॉयलर्स अवॉइड करने वाला इस मूवी का। मूवी 8 अगस्त को आने वाली है जापान में। तुम में से बहुतों को खुजली होगा इसका स्टोरी जानने का, तो तुमको जानना है तो तुम जान लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। और रिलीज़ के बाद अगर तुम स्पॉयलर्स रीड करोगे तो मेरे चैनल में आके या फिर पर्सनली भी मेरे को बताने की कोशिश मत करना, मैं प्रॉपर क्वालिटी का वेट कर सकता है और मैं करेगा भी, ठीक है? मूवी में नहीं आया तो भाई हम भाई ब्लूरे का वेट करेंगे, लेकिन ऐसे रीड करके तो नहीं देखना भाई मेरे को ये मूवी। तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो इस मूवी से कमेंट्स में बता सकते हो, वीडियो कैसा लगा वो भी बता सकते हो कमेंट्स में, उता कैसी लगी तुमको, मेरे को तो ठीक ठाक लगी, ये भी बता सकते हो वैसे कमेंट्स में। आज तो भाई भरी दो कमेंट्स अपने ओपिनियन से, ठीक है? चलो, मेरा थोड़ा तबीयत अजीब लग रहा है। अब नेक्स्ट वीडियो में सुनने मिलेगी, तो बाय बाय।